इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कैसरगंज से बृजभूषण सिंह का टिकट कट चुका है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बृजभूषण के छोटे बेटे को बीजेपी से टिकट मिल गया है। कैसरगंज से आपको बता दें, बृजभूषण के छोटे बेटे करण भूषण सिंह बीजेपी के उम्मीदवार बने हैं। यहां से आपको बता दें, यूपी की दो सीटें बची थी जिस पर बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले थे, अब उस पर बड़ा ऐलान कर दिया गया। वहीं रायबरेली से दिनेश प्रताप जो है उन्हें बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया है। सुबह से ही आपको बता दें कि अटकलें लगाई जा रही थी कि बृजभूषण का टिकट जो है वो बीजेपी काट देगी और उनके छोटे बेटे की बात लगातार हो रही थी। आपको बता दें, उनके छोटे बेटे उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और काफी समय से अपने पिता के साथ लगातार राजनीति पर गौर भी कर रहे थे। और इसी बीच ये खबर सामने आ रही है कि करण भूषण सिंह बीजेपी से कैसरगंज के उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि यहां पर बृजभूषण शरण सिंह पर जिस तरीके के आरोप महिला पहलवानों ने लगाए थे, जिसको देखते हुए बीजेपी ने ये बड़ा फैसला लिया और उन्हें यहां से उम्मीदवारी जो है वो नहीं दी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से बृजभूषण सिंह को टिकट दिया जाता तो सीधे तौर पर विपक्ष जो है इस पर हमलावर हो जाता और बीजेपी के लिए पैतरा बिल्कुल ठीक नहीं होता। इसलिए उनके छोटे बेटे को यहां से टिकट दिया गया है।